हम पहाड़ तोड़ते हैं, और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे, तो यार है तैयार है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों डायलॉग सुनकर तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दशरथ मांझी के बारे में। वही दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को काट दिया। पहाड़ को काटना कितना बड़ा काम है ये तो पहाड़ का नाम सुनते ही मालूम पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों पहाड़ काटना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन एक अकेले दशरथ मांझी ने सिर्फ एक छेने और हथौड़ी के माध्यम से एक बड़े पहाड़ को दो टुकड़ों में काटा और रास्ता बना डाला उस पहाड़ के बीचों बीच। ये कोई पहाड़ जितना बड़ा नहीं था, ये पहाड़ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम था। ए पुनिया, तो हमार जान है रे जान, तो को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कितना। लोग मोहब्बत में चांद तारे तोड़ने की बातें किया करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा फिल्मों के डायलॉग में। लेकिन ये वो इंसान था जिसने कभी अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से चांद तारे तोड़ने की बातें नहीं की थी, लेकिन उसकी अपनी पत्नी की याद में उसने वो कर दिया जो चांद तारे तोड़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इसी दशरथ मांझी की और उस पहाड़ की जिसे दशरथ मांझी ने दो टुकड़ों में कर डाला था। तो ये बिहार के एक छोटे से जगह की है, वजीरगंज की। हाँ दोस्तों, ये जो पहाड़ है गहलोर पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और ये गहलोर पहाड़ बिहार के गया जिले में पड़ता है। गया से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर एक वजीरगंज स्थित है, और वजीरगंज के पास ही गहलोर स्थित है। गहलोर जो गांव है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वजीरगंज ही सबसे नज़दीक का मार्केट हुआ करता था। तो अगर गांव में किसी को ज़रूरत पड़ती थी किसी भी चीज़ की, तो छोटे मार्केट के तौर पे उसे वजीरगंज ही जाना पड़ता था, और वजीरगंज जाने के लिए उस पहाड़ को पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे रास्ते से वजीरगंज जाना पड़ता था, जो कि करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी हो जाती। गांव के लोगों को किसी भी काम के लिए वजीरगंज ही जाना पड़ता था, क्योंकि ना तो गांव में स्कूल हुआ करता था, ना ही अस्पताल था, तो हर छोटे मोटे कामों के लिए भी वजीरगंज ही जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि पहाड़ी को घूम कर जाना, 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करना उस ज़माने में एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पहाड़ी के ऊपर से क्रॉस करके भी जाते थे वजीरगंज, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, उसमें गिरने का खतरा हुआ करता था, लोग गिरते भी थे, चोटें लगती थी, कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई थी। बस इसी तरह की घटना एक दशरथ मांझी के जीवन में। हमारा पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे, तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। तब दिल में हुआ कि कितना पत्नी के घाड़ा फूट दिया होगा, तब यही हमारा भावना में आया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे। हम ठग में हम महा ठग, अब बुड़बाग में हम माँ बुड़बाग, अब पागल में माँ पागल, अब वीर में माँ वीर, हम चारों में माँ। हाँ, झूठ मुठवा ठग में है, आपको देखना है तो चल के देखो। वाला काम कहा यही जाता है दोस्तों कि जब दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु हुई थी पहाड़ पर से गिरने के कारण, तभी दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि इस पहाड़ को अब किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनने देंगे। बस वो जुट पड़े थे अपने एक लक्ष्य को मानकर कि पहाड़ को चीर कर रास्ता बना डालना है, ताकि पहाड़ से चढ़कर किसी को न जाना पड़े, किसी को गिरना न पड़े, किसी की मौत इस पहाड़ के कारण न हो। बस इस ठान कर वो चलते रहे, और 22 साल लगे उन्हें इस पहाड़ को काटने में। मांझी जी ने इस पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा रोड और 30 फीट चौड़ाई का और 25 फीट गहराई का काटकर उन्होंने रोड तैयार किया,
बाद में सरकार के द्वारा इस रोड को पूर्णतः बना दिया गया, जो कि अभी सीमेंटेड रोड इस पार से उस पार जाने के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग गए थे मांझी जी के परिवार से मिलने, हमारी टीम पहुंची थी। तो हमारी टीम ने उनके पुत्र से मुलाकात की, जो कि श्री भगीरथ मांझी जी हैं, वहाँ उपलब्ध थे। उनसे मुलाकात हुई हमारी, हमने उनसे भी जाना भी कि वो किस प्रकार वो पहाड़ को काटते रहे, क्या क्या परिस्थितियाँ आई, ये सारी बातें हमने उनके सुपुत्र से जानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या बातें उन्होंने बताई हमें। अभी हम लोग आए हैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मृति भवन के पास, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है उनके याद में। और देखते हैं, अगर उनके कोई परिवार के सदस्य मिलते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। देखिए, ये जो स्मृति चिन्ह आप देख रहे हैं, ये सब दशरथ मांझी को किसी संस्था या सरकार के द्वारा मिला हुआ है, जो इसी स्मृति भवन में संजोग कर रखा हुआ है, ताकि जो भी व्यक्ति आते हैं वो जान सके दशरथ मांझी जी के इस दृढ़ कर्तव्य द्वारा किया गया कार्य को, उनको समझ सके, इसलिए ये सारा चीज यहाँ रखा गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जब जागरण में इनका फोटो दशरथ मांझी के साथ जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जब दशरथ मांझी की तबीयत खराब थी उस समय की ये फोटो है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार गए थे दशरथ मांझी जी से मिलने। ये पेपर का कटिंग जो यहाँ की रखा हुआ है लेमिनेशन करके। और एक दिन के लिए जब दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो इसका पेपर कटिंग आज यहाँ देख के रखा हुआ है। ये इनका परिचय क्या हुआ जी? आपका क्या परिचय हुआ? आप उनके लड़के हैं? लड़के। क्या नाम हुआ आपका? भगीरथ। भगीरथ, तो आपको कुछ याद है उस समय का, जब मांझी जी काटते थे पहाड़ उस समय? अच्छा, तो आप लोग मना करते होंगे उनको? मना तो सब लोग किया है, अपना बात को जिक्र रखा, जो नहीं बात को माना, नहीं मानते थे। बाबा मामा हमारे दादा सब कहा कि जो मजदूरी करते तो बाल बच्चा खेल, अब दिन भर पहाड़िया में लगा रहते तो काम मिलेगा। अब बोलिए, किसी के बात नहीं रखा, अपना बात से काम किया। 22 साल लगा था उनको, 22 साल लगा। तो कभी बीच में तबियत खराब भी हुआ होगा उनका उतने दिन में, 22 साल में आके जब लगातार पहाड़ काट रहे होंगे? तबियत तो उसका बहुत खराब है, चलने की शक्ति नहीं था। अच्छा, तब यहाँ से देखिए टेटुआ ले लिया, टेटुआ से ट्रेन। अच्छा, फिर इलाज भी बीच में हुआ, फिर भी वो काम करते रहे वो? हाँ, माने नहीं, इलाज करवा के लाया घर, 6 महीना रह गया इसी। अच्छा, हम लोग हम उसका जोड़े नहीं साथे रहते, हम मौसा जोड़े साथ। अच्छा अच्छा, नीतीश कुमार के औरत तुम्हारा ने वही फोर्सिया में गया, तो वहाँ से लौट के आया, तब उसका जल्दी बीमारी। अच्छा, नीतीश कुमार की जब पत्नी डेथ हुई थी तो गए थे मिलने के लिए? हाँ, दशरथ मांझी गए थे मिलने के लिए। तबियत खराब हुई, नीतीश कुमार ने इलाज करवाया, इंग्लिश दवा से कोई सुना नहीं, सबसे शरीर का पीला। अच्छा, लास्ट टाइम में ऐसा स्थिति हो गया तो। अच्छा, ये जो बिल्डिंग बना है सरकार के द्वारा बनवाया गया है? सरकार के द्वारा बनवाया। कब बना था ये? साल अच्छा, पिछले साल बना है। और ये सब जो शील्ड यहाँ रखा हुआ है, ये सब मतलब सरकार दिया था आपको, ला के दिया था, कैसे ये यहाँ पर आया? नहीं नहीं, हमारे बाबूजी जो किया ना, तो ये सब रखे हुए थे, वो अपना पुरस्कार मिला, जहाँ जहाँ से
दिया ना कहाँ कहाँ का पुरस्कार है। अच्छा तो वो रखे हुए थे उसको आप यहाँ सजा दिए। हाँ। अच्छा है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उनके द्वारा दिया गया था श्री दशरथ मांझी जी को इनके एक अद्भुत कार्य के लिए जो कि यहाँ रखा हुआ है स्मृति चिन्ह के रूप में। और जो रखते थे अपने पास जो नीचे भी। हाँ अच्छा इनका धोती नहीं था ये बोरे का ही कपड़ा पहनते थे। ये पूरा उनका वस्त्र ही है बोरा से बनाया हुआ है। हाँ जो देखते हैं। हाँ जूम करके। और ये उनका स्वेटर तो ठंडे के दिनों में एक हाफ स्वेटर वो पहनते थे। चूँकि दिवाली के शुभ अवसर पे हम लोग भगीरथ मांझी जी से मिलने पहुँचे थे तो इसलिए हमारे टीम टूर कैलकुलेटर टूर विथ अंजन आर्या और PK मोटो ब्लॉग की तरफ से भेंट स्मृति के रूप में श्री भगीरथ मांझी जी को एक बिहारी गमछा दिया गया और साथ में दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ दी गई मिष्ठान के साथ। एक समाधि स्थल बनाया गया है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक पार्क नुमा बनाया गया है ताकि लोग बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो देख सकें। यहाँ एक दशरथ मांझी जी की एक प्रतिमा भी लगाई गई है।